लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं प्यार नहीं कर सकता, ये धोखा है, काम है। अगर ये काम है, सपना है, तो मुझे इसे लड़ने की जरूरत क्या है? मेरे अंदर कौन है जो मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है? मेरा दिल ही मेरा दुश्मन क्यों बनता जा रहा है? क्यों? वो मुझसे नफरत करने लगेगी, तभी तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। सब कुछ बता दूंगा मैं, सब कुछ। मैं तुम्हारी जान का सौदा कर चुका हूं, मैं यहां तुम्हारी हत्या करने आया था। करण, तुम भी जाग रहे हो? हमें भी नींद नहीं आई, शायद इसी को प्यार कहते हैं, है ना? काजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पहले पसीना तो पोंछ लो, लगता है किसी से लड़ रहे हो। मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझती हो। हम जानते हैं। क्या जानती हो तुम? प्यार सब बता देता है। नहीं काजल, नहीं। ये नहीं भी प्यार है। काजल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये मजबूरी भी प्यार है। ये इसे पढ़ लेगा, मैंने इसमें अपनी सारी असलियत लिख दी है। हमने तुम्हारी आंखें पढ़ ली, हमें और कुछ नहीं पढ़ना। काजल, असली करण इस कागज में है। करण हमारे दिल में है। अब तुम भी कबूल कर लो करण कि तुम्हें हमसे प्यार है। मुझे जो कबूल करना है वो सब इस कागज में दर्ज है। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अगर कबूल नहीं कर सकते हो कि तुम हमसे प्यार करते हो, तो लो, हमने ये कागज। अब तो तुम्हें अपने मुंह से कबूल करना ही पड़ेगा। नहीं करता। तुम्हारे इनकार में इतना जुनून है, तो इकरार का आलम क्या होगा? तुम यहां से चली जाओ काजल। कहां कहां से निकालोगे हमें करण? सीने में जिस रफ्तार से गोली उतरती है, उससे ज्यादा रफ्तार से प्यार। ये नफरत है प्यार से। ये नफरत भी प्यार है। ये नफरत भी प्यार है। रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। करण, तुम भी आओ। हाथ आगे बढ़ा। अरे बंधवा लो यार, कोई हथकड़ी थोड़ी है। हाँ पुत्र, ये तो हथकड़ी से भी ज्यादा मजबूत की जाएगी। हथकड़ी नू तुसी चाबी नाल खोल सकते हो, इसकी कोई चाबी ही नहीं। एक दफा बांध दिया ना तो बंद गए। ये मौली भी कितनी प्यारी चीज है। देखने में तो सिर्फ एक रंगीन धागा है, लेकिन इसमें कितनी दुआएं, कितनी मिन्नतें, कितनी शक्ति बंधी है। जिसके हाथ में बन जाए उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता, और उसके हाथों से भी कभी अमंगल नहीं हो सकता। देखा काजल, अपने देश में हर चीज का मीनिंग है। जो अपने आप से लड़ता है वो हमेशा हार जाता है। तुम ये जंग हार चुके हो करण। नहीं, हरगिज नहीं। तुम अपने आप से झूठ बोल सकते हो करण, हमसे नहीं। ये झूठ नहीं, सच है। Look at me, हमारी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं।
बोलो करण। काजल मैं कुछ नहीं जानता। जो तुम नहीं जानते हमारी चूड़ियां जानती हैं, तुम्हारे सिवा सारी कायनात जानती है। तुम्हें हमसे प्यार है? नहीं, नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फिर ये कौन है जो तुम्हारी आंखों से हम पर हल्की हल्की बुहार की तरह बरस रहा है? फिर ये कौन है जो हमें देखकर तुम्हारे रोम रोम में किरण की तरह फूट रहा है? फिर ये कौन है जो हमें छूने के लिए तुम्हारी उंगलियों में तड़प रहा है? वो जो भी है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। जिसे तुम खत्म करना चाहते हो वो तुमसे बहुत बड़ा है करण। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। उसने पहाड़ों को चीर कर दूध के दरिया निकाले। उसने तपते रेगिस्तान को अपने नंगे पैरों का महरम बनाया। उससे टकरा कर पत्थर भी टूट गए। वो आशिक है करण, आशिक। मुझे नफरत है उससे। क्योंकि तुम्हें प्यार है हमसे। कबूल कर लो करण कि तुम हमसे प्यार करते हो। मर जाऊंगा लेकिन कबूल नहीं करूंगा। ऐसी कसम मत लो जो तुम निभा ना सको। टूट जाऊंगा लेकिन कसम नहीं तोड़ूंगा। तो हमें भी इस नदी की कसम हम तुमसे कबूल करवा कर रहेंगे। ये सोनी महिवाल की नदी है। प्रेमियों के लिए इसका जल गंगा जल से भी पवित्र है। आज इस जल को हम अपनी हथेली में उठाकर सौगंध खाते हैं। अगर हमारी हथेली का जल गिर जाने तक तुमने कबूल नहीं किया तो हम समझेंगे हमारा प्यार झूठा है। हम इस नदी में कूद कर अपनी जान दे देंगे। इस जल की एक एक बूंद में हमने अपनी एक एक सांस रख दी है। और जब तक ये जल हमारी हथेली पर है हमारी जान हथेली पर है। सीने में हत्यारा आशिक हो गया। नहीं नागेंद्र, नहीं। अब काजल की मौत एक हादसा नहीं, इंतकाम होगा। इंतकाम। कालू, ओ कालू, तेरे को दूध निकालने के वास्ते बोला था। तो दूध निकालो। अच्छा, धन्नो दूध निकाल दिया। अंदर धन्नो। अंदर धन्नो। इसके अंदर। धन्नो। जी बापू। तू अंदर क्या कर रही है? वो क्या है ना बापू, मेरी सुई है ना, सुई वो गुम हो गई है। हाँ। सुई गुम हो गई है? कमाल झूठी लड़की है। इसकी चीजें जब से काला भूत आया बहुत गुम होने लगी हैं। कभी इसकी सुई गुम हो जाती है, कभी इसकी चोली गुम हो जाती है, कभी पांव की पायल गुम हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। इसकी तो चीजें गुम होती है, वो तो चार चार रातें खुद ही गुम हो जाती थी। सुई गुम हो गई है। जंग लगी हुई बिगड़ी मशीन, हमारे अच्छे कार्य में बाधा डालता है। साले हराम जादे, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अबे कबाब में की फ्रैक्चर हड्डी, सड़ा हुआ टेप रिकॉर्डर, ये तेरा असली बाप है क्या? हाँ। मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता, इसको तो बाद में नहीं पड़ता। तू अंदर आजा, आजा, आजा। उसकी आंखों में एक आशिक का जुनून है, उसे मौत का भी खौफ नहीं। वो अपनी जान देकर भी काजल की हिफाजत करेगा। हमें करण से भी ज्यादा बेरहम कातिल चाहिए। जीजाजी, दिलावर साहब पार का आतंकवादी है। उसके राशन कार्ड में इतने कत्ल, इतने डाके, इतने रेप के केस दर्ज हैं कि उसे आदमी नहीं, किलिंग मशीन कहते हैं।
दिलावर मौत और दिलावर बताकर नहीं आते। काम काजल की मौत, कीमत जो तुम चाहो। जीजाजी करण वो भी मरेगा। भाई साहब रुक्मणी क्या हुआ? जल्दी चलिए भाई साहब, यहाँ अनर्थ हो गया है। अरे पर क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। काजल मेले में गई थी, वहाँ गोलियाँ चल गई। गोलियाँ चली? मेरी मेरी काजल ठीक तो है? काजल का कहीं पता नहीं चल रहा है भाई, वो भी लापता है। वो भी लापता है? हाँ, हाँ। तुम हौसला रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ। काजल करण ना पता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये काम आतंकवादियों को लगता है रोशनलाल जी, लेकिन हम यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकते। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने दोस्त नूं? ये काजल नूं कुछ हो गया तो? काजल को कुछ नहीं होगा दादू, काजल तो मासूम है और मासूम की तो भगवान रक्षा करता है। सारे पिछले कर्मों का दाह संस्कार कर दिया। हत्यारे के हाथ? ये तुम क्या कह रहे हो कर? कह दो कि ये सब झूठ है। यही सच है, यही मेरी असलियत है। अगर आज ना कह पाया तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं तुम्हारी हत्या करने आया था। नहीं, रखवाला कातिल नहीं हो सकता। वो एक फरेब था। तुम्हारे करीब पहुंचने का असली मकसद तुम्हें कत्ल करना था। क्यों करण, क्यों? हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थी, ना तुम्हारी मुझसे। पैसे लिए थे मैंने। हमें यकीन नहीं होता, हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता। आखिर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत? जिंदगी जब सब रास्ते बंद कर देती है तो किसी भी क्यों का जवाब नहीं रहता। जिंदगी ने मेरे लिए भी सब रास्ते बंद कर दिए थे।